दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए अपने चैनल नॉलेज के फंडा को और बेल आइकॉन दबाइए जिससे आप देख पाए वीडियो सबसे पहले। हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन चैनल नॉलेज का फंडा। नॉलेज का फंडा चैनल में इतिहास के पन्नों से आपका स्वागत है 25 नवंबर के इतिहास में। दोस्तों आज 25 नवंबर है और आज मैं आप लोगों को बताऊँगा 25 नवंबर के दिन घटित कुछ प्रमुख घटनाओं के बारे में। दोस्तों हमारा चैनल आपके ज्ञानवर्धन के लिए सदैव तत्पर है और तत्पर रहेगा, तो चलिए देखते हैं कि 25 नवंबर के इतिहास में क्या कुछ खास रहा है इतिहास के पन्नों से। देखिए दोस्तों, पहला पॉइंट है 1667, ये वो दिन है 25 नवंबर का जब रूस के उत्तरी कॉकसस क्षेत्र के सोमाखा में एक विनाशकारी भूकंप आया और उस भूकंप में 80,000 लोगों की मृत्यु हो गई। 25 नवंबर 1744 के दिन ऑस्ट्रिया की सेना ने पराग्वे के यहूदियों के खिलाफ जानलेवा हमला किया और वहां पर लूटपाट की। 25 नवंबर 1758 ब्रिटेन ने फ्रांस के ड्यूक्विसन किले पर कब्जा किया। को 1866 भारत के लिए इम्पॉर्टेंट है, 1866 जबकि 25 नवंबर के दिन इलाहाबाद उच्च न्यायालय का उद्घाटन किया गया था 25 नवंबर के ही दिन। 25 नवंबर 1867 को अल्फ्रेड नोबेल, जैसा कि आप जानते हैं अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे ही नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, और इन्होंने की थी खोज डायनामाइट की, तो डायनामाइट का इन्होंने पेटेंट करवाया था 1867 में 25 नवंबर के ही दिन। 25 नवंबर 1930 को जापान में एक ही दिन में भूकंप से 690 रिकॉर्ड दर्ज किए गए भूकंप के झटकों की, मतलब 25 नवंबर के दिन 1930 ईस्वी में सबसे ज़्यादा भूकंप आए जापान के अंदर, जो कि कुल 690 झटके एक ही दिन में आए थे जापान में, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 1936 की अगर हम बात करें तो जर्मनी और जापान के बीच कमोटिंग, मतलब कि कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के विरोधी समझौते पर सिग्नेचर किए गए, और 25 नवंबर 1937 ईस्वी में फ्रांस की राजधानी पेरिस में एक वैश्विक मेले, मतलब विश्व मेले का समापन किया गया। और 1960 25 नवंबर भारत की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जबकि टेलीफोन की एसटीडी व्यवस्था को भारत में पहली बार कानपुर और लखनऊ के बीच में प्रयोग किया गया। और 2013 की अगर हम बात करें तो इराक की राजधानी बगदाद के कैफे में धमाके से 17 लोग मारे गए और 37 लोग घायल हुए थे 25 नवंबर को। ओके दोस्तों, अब कुछ महत्वपूर्ण लोगों के जो जन्म हुए। झूलन गोस्वामी भारत की एक प्रसिद्ध महिला क्रिकेटर हैं, 1982 25 नवंबर के दिन का जन्म हुआ था। सुनीति कुमार चटर्जी भारत की प्रसिद्ध भाषाविद हैं और साहित्यकार हैं, विद्याशास्त्री हैं, इनका 1890 ईस्वी में 25 नवंबर के दिन ही जन्म हुआ था। और 1898 25 नवंबर देवकी बोस का जन्म हुआ, जो कि एक प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक और संगीत के ध्वनि के जानकार हैं। निधन की अगर हम बात करें तो 2014 25 नवंबर सितारा देवी का निधन हुआ, जो कि प्रसिद्ध कथक नेत्रांगना थी। और 1975 चंदूलाल शाह, जो कि हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध निर्माता, निर्देशक और पटकथा लेखक थे, 25 नवंबर के दिन इनका भी निधन हुआ था। 25 नवंबर 1974 यूथ हॉन्ट का निधन हुआ था, जो कि वर्मा के एक राजनयिक और संयुक्त राष्ट्र के तीसरे महासचिव के रूप में कार्य कर रहे थे। 1879 टीएल वासवानी का निधन हुआ था, जो कि एक प्रसिद्ध लेखक, शिक्षाविद और भारतीय संस्कृति के प्रचारक थे। दोस्तों अगर महत्वपूर्ण दिवस की बात करें तो राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है और विश्व मांसाहार दिवस मनाया जाता है 25 नवंबर के दिन। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, बेल आइकन दबा दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट करिए और लाइक करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।